हे गाइस, दिस इज आनंद। वेलकम टू बीटा इंट। तो आपके विंडोज 10 में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, यानी कि आपका लैपटॉप या पीसी में साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कई सारे मेथड्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। आपको क्या करना है कि हर एक मेथड को अप्लाई करना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, और हर एक मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसमें से किसी भी मेथड से, किसी भी सॉल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है हमारा, वो है कि आपको अपने सिस्टम को सबसे पहले रीस्टार्ट करके देखना है। कई बार इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती हैं, वो सिर्फ रीस्टार्ट करने से ठीक हो जाती है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आना है, पावर बटन में जाना है और यहाँ पे रीस्टार्ट वाला क्लिक करना है, ये शट डाउन वाला नहीं करना है। रीस्टार्ट आप करोगे तो लैपटॉप आपका अपने से बंद होगा और फिर चालू हो जाएगा। और अगर इसे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे ट्रबल शूट लिखेंगे, TROUBL। आप आधा लिखे रहोगे तो यहाँ ऊपर आ जाता है ट्रबल शूट सेटिंग, इसे खोलेंगे हम लोग और इसमें एडिशनल ट्रबल शूटर में जाएंगे। यहाँ पे प्लेइंग ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन द ट्रबल शूटर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कुछ कुछ बोलेगा करने के लिए, तो आपको उस हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि ऑडियो डिवाइस को देखना है कि डिसेबल तो नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे आएंगे और सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम में चलेंगे, सिस्टम में हम लोग साउंड में चलेंगे और यहाँ पे मैनेज साउंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्पीकर आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इनेबल है, इसलिए डिसेबल करने के लिए दे रहा है। अगर पहले से ही डिसेबल होगा तो यहाँ पे इनेबल करने के लिए देगा। तो बस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका इनेबल है कि डिसेबल है। अगर डिसेबल हो गया हो तो आप इसे इनेबल कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट जो सोल्यूशन है हमारा, वो है कि ऑडियो ड्राइवर को हम लोग चेक करेंगे कि कहीं वो तो डिसेबल नहीं हो गया है। उसके लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और सीधे आप आ जाओ यहाँ डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ये सारे ड्राइवर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे दो जगह आपको ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। एक यहाँ पे आप देख रहे हो ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, और यहाँ पे एक साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर देख रहे हो। एरो को एक्सपेंड करना है और यहाँ पे ये जो ड्राइवर आप देख रहे हो, हाई डिफिनेशन ऑडियो डिवाइस, हो सकता है आपके में कुछ इंटेल, ब्रॉडकॉम या AMD इस तरह का भी नाम लिखा हुआ दिखाई दे। तो जो भी ड्राइवर मतलब आपको इसमें दिख रहा है या आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा साउंड ड्राइवर ये है, तो उसको आपको एक बार राइट क्लिक करके देखना है कहीं डिसेबल तो ना हो गया हो। तो ये ऑलरेडी इनेबल है, इसलिए इसको डिसेबल करने के लिए दे रहा है। तो अगर डिसेबल हो गया होगा तो यहाँ पे इनेबल करने के लिए देगा, आप उसे इनेबल करके ठीक कर लोगे अपने प्रॉब्लम को। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि इसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो पहले इनेबल डिसेबल करके देख लो, नहीं होता है तो आप एक बार इसे अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने के बाद सिस्टम आपको रीस्टार्ट करना है, जब आप रीस्टार्ट करोगे तो ये अपने से इंस्टॉल कर लेगा। तो कई बार इस ऐसे करने से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये दोनों चीज़ आप यहाँ से कर लो। अगला जो सोल्यूशन है हमारा, वो है कि विंडोज़ को हम लोग अपडेट करेंगे। विंडोज़ अपडेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको अपडेट लिखना है, तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आप तो सीधे आप अपडेट वाले विंडो में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, चेक फॉर अपडेट क्लिक करके, अगर आपका विंडोज अपडेट नहीं है तो उसे आप अपडेट कर लो, क्योंकि कई बार कोई बग वगैरह होता है तो विंडोज अपडेट करने से ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। और विंडोज अपडेट करने से आपके ड्राइवर्स भी अपडेट होते हैं, इसलिए आपको हमेशा विंडोज अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है, वो है कि हम लोग ड्राइवर को अपडेट करेंगे। ड्राइवर अपडेट करने के लिए वैसे तो मैनुअली आप डिवाइस मैनेजर से कर सकते हो, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ड्राइवर अपडेट करने के लिए। इसमें मैंने एक ड्राइवर बूस्टर का यूज़ करके ड्राइवर अपडेट करने के बारे में बताया है, तो आप उस मेथड से करो और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने सारे ड्राइवर अपडेट कर लो, क्योंकि ड्राइवर्स अपडेट रहेंगे तो आपके हार्डवेयर अच्छे से काम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ऑडियो सर्विसेज को हम लोग देखेंगे कहीं डिसेबल तो नहीं है। यहाँ पर आपको सर्विसेज लिखना है और यहाँ पर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, सीधे आप इसे पकड़ के नीचे खींच दो W वाले सेक्शन में। जब W वाला सेक्शन आ जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, विंडोज़ अपडेट ऑडियो और विंडोज़ ऑडियो इन पॉइंट ये जो दे रहा है, दोनों को आप देख लो कि ये रन कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरा आप दोनों देखोगे तो ये दोनों आप देख रहे हो रन कर रहा है। अगर आपके में स्टॉप हो गया हो तो दोनों में से कोई भी हुआ हो, दोनों रन करना चाहिए। तो उसे खोल करके और यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद से यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्टॉप दे रहा है तो स्टार्ट करने के लिए देगा, स्टार्ट कर दो और यहाँ अप्लाई कर दो और ओके कर दो। दोनों में आपको देख लेना है कि दोनों रन करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम तो आप कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऑल राइट गाइस, दिस इज आनंद साइनिंग आउट।